नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि तब करते हैं जब वो अकेले हो। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो वो ऐसा दाग लगाते हैं जो धोने से भी कभी नहीं जाता। जीने का मजाक किरकिरा करते हैं सिर्फ दो तरह के लोग, एक तो कान भरने वाला और दूसरा कच्चे कान वाला। कभी कभी अपनों से कुछ ऐसे दर्द मिलते हैं, आंसू तो होते हैं पर रोया नहीं जाता। इसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए, और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ, जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो, इससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। कोई ठुकरा दे तो हंसकर जी लेना, क्योंकि मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती। माना कि हम इतने खूबसूरत नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए, पर वह खुशनसीब जरूर होगा जिसे हम मिल जाएं। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना कीजिए। माफी चाहता हूँ, गुनहगार हूँ मैं तेरा ए दिल, मैंने तुझे ऐसे लोगों के हवाले किया जिन्हें तेरी कदर ही नहीं की। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्यों देगा फ्री का, यहाँ तो कफन भी नहीं मिलता, तो बिना गम के कोई प्यार क्यों देगा। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तभी आपके अंदर की हिम्मत जागती है। चाहे हजारों बद्दुआ लग जाएं, लेकिन किसी की आदत कभी मत लगने देना। लोग बनाते रहें और हम बनते रहें, कभी मजाक तो कभी तमाशा। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। पहले लगा था कि तुम ही दुनिया हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम भी दुनिया ही हो। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान बस फायदा उठाने की कोशिश करता है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, और दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा मर जाता है कोई। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। तलाश है उस एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कहती है कि तुम हंसते बहुत हो। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे पूरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ हो ना, देख लेना दिमाग वालों से हार जाओगे। इसी के लिए रोने से क्या फायदा। जो आपका प्यार नहीं समझ सकते वो आपका दर्द क्या समझेंगे। किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, ये जरूरी नहीं कि वो निर्लज है। सच तो यह है कि उसकी जिंदगी में आपका स्थान उसकी इज्जत से भी बढ़कर है।
जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं उस पर नहीं अपनी आप पर गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है लेकिन जिससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को क्या मुंह लगाना। आजकल सारथी के इंसान की कदर नहीं की जाती बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उसे ज्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए अपने असूल तोड़े हमने, जहां गलती भी नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े हमने। ऐसे रंग और रूप का गरूर मत करो, जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से जरूर टूटता है। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग दुखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही ना होती हो। अनदेखे धागों से यूं बांध गया कोई, वह साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। बाय बोलने के बाद भी अगर बात होती रहे तो समझ लेना कि रिश्ते दिल से निभाए जा रहे हैं, मजबूरी से नहीं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि ताप देने वालों से होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो शख्स तुम्हारा अपना है जिसकी चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता हो। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसने से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज होती है। कर लेते हैं बर्दाश्त हर दर्द इसके आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आसमाइशों के बाद। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब उसका धरती पर कुछ खो जाता है। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस सबको नज़रअंदाज करना है। जो लोग जहर देने के भी लायक नहीं थे, हम जिंदगी भर उन्हें अपना हर राज देते रहे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजार जिंदगियों की जिंदगी बन जाते हैं। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। कितना ही अपनापन दिखाओ लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जरा सी बात होती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं, पता नहीं लोगों से सच्ची मोहब्बत संभाली क्यों नहीं जाती। कई बार हमारे अपने ही अक्सर हमें गलत समझ लेते हैं। अच्छा लगता है अब अकेले रहना, क्योंकि जो भी मिलता है रुलाकर ही जाता है। क्या जवाना है, जब बात जरूरत की होती है तो सबकी जुबान अपने आप मीठी हो जाती है। एक बात जरूर याद रखना, दुआ लगे या ना लगे लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। लोग बिछड़ने का इरादा तो पहले ही कर चुके होते हैं, उन्हें तो बस आपकी तरफ से कोई बहाना चाहिए होता है। हर साल की यही कहानी है, कुछ अपने अजनबी बन जाती हैं और कुछ अजनबी अपने बन जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा करें और फिर वही इंसान एक दिन भरोसा तोड़ दे, तो फिर सच कहूं वो इंसान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही अच्छी नहीं लगती है। रूह से रूह का मिलन भी जरूरी, महज हाथों को थामना प्यार नहीं होता। परमात्मा को देखने के लिए
कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उसे जहां महसूस करोगे वो वहीं दिखाई देगा। किसी के रंग रूप की बुराई ना किया करो, सबको रब ने ही बनाया है, आपको स्पेशल ऑर्डर पे नहीं आए हो। गलती हमारी ही थी जो हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे। अच्छे दिल वाले लोग जब तेज दिमाग वालों से रिश्ता बना लेते हैं तो हमेशा धोखा खाते हैं। जिंदगी खराब ही तब होती है जब दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी जाती है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में आज बढ़ते जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगी तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। ये बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू तू करने लग जाती हैं। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कुछ कहने पर भी चुप रहने पर भी मुझे समझने के लिए दिल लगेगा और आप ठहरे दिमाग वाले लोग। आज वो हमें बता रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम भी उन्हें बताएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। रिश्तों में दूरी दूर होने से नहीं आती, बस वक्त ना देने से आती है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। मत बताना किसी को अपने दिल का हाल ए दोस्तों, क्योंकि अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग। अपना सम्मान और इज्जत बचाने की लड़ाई में अगर कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर खुद को कभी किसी के भी आगे टूटने मत देना, नहीं तो आप अपनी इज्जत ही खो दोगे। जब किसी से आपकी बिना तुम रह ना पाओ तो समझ लेना बर्बादी के बहुत करीब आ गए हो तुम। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि टूटने के बाद ही ये इतना मजबूत हुआ है। जो इज्जत देगा उसी को इज्जत मिलेगा। हम हैसियत देखकर किसी के आगे सर नहीं झुकाते। जब छोटे थे तो खिलौने टूटने पर सबके सामने रोया करते थे ताकि नया मिल जाए। आज दिल तक टूट जाते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।